दिल्ली की राजनीति में इस समय जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है अरविंदर सिंह लवली का। अरविंदर सिंह लवली को लोकसभा चुनाव से एक साल पहले यानी साल 2023 में दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। तब ये दावा किया गया था कि लोकसभा चुनाव में संगठन को मजबूत करने के लिए एक अनुभवी नेता को ये जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन दिल्ली में मतदान होने से पहले ही उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि साल 2017 में भी लवली ने इस्तीफा दिया था, तब अपने सभी पदों सहित कांग्रेस पार्टी भी उन्होंने छोड़ दी थी और बीजेपी में शामिल हो गए थे। हालांकि बीजेपी में वो ज्यादा दिन नहीं रहे और साल 2018 में कांग्रेस में वापसी कर ली। इस उठापटक से अलग लवली के पूरे करियर की बात करें तो अरविंदर सिंह लवली ने स्टूडेंट लाइफ से ही पॉलिटिक्स में हाथ आजमाना शुरू कर दिया था। अरविंदर सिंह लवली का जन्म 1968 में दिल्ली के गांधीनगर इलाके में हुआ था। दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था। इसी समय गुरु तेग बहादुर कॉलेज से स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष चुने गए। कुछ साल बाद वो भीमराव अंबेडकर कॉलेज के चेयरमैन भी रहे। साल 1990 में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के महासचिव भी नियुक्त किए गए। 1992 से 1996 तक NSUI के महासचिव भी रहे। साल 1998 में लवली पहली बार विधायक बने। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर गांधीनगर सीट से जीत हासिल की। लगातार तीन बार इसी सीट से वो विधायक बने। 1998 के बाद साल 2003 और 2007 में भी यहीं से जीत हासिल की। इस समय लवली दिल्ली के मंत्री भी रहे। उनके नाम दिल्ली में सबसे ज्यादा समय तक शिक्षा मंत्री रहने का रिकॉर्ड भी है। उन्होंने अपने कार्यकाल में स्कूलों में एडमिशन के लिए पॉइंट सिस्टम की शुरुआत की। उन्होंने EWS और लाडली योजनाएं भी शुरू की। साल 2015 में भी उन्हें दिल्ली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। साल 2017 तक लवली प्रदेश अध्यक्ष रहे। इसके बाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि वो बीजेपी में ज्यादा दिन नहीं रहे। साल 2018 में कांग्रेस में वापसी की और 2019 में पूर्वी दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ा। पिछले साल लवली को फिर से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। अब प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर वो फिर से चर्चा में आ गए हैं। बता दें, अरविंदर सिंह लवली ने ऐसे समय इस्तीफा दिया है जब लोकसभा चुनाव की रेस चल रही है। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। 7 सीटों पर मतदान छठे चरण यानी 25 मई को होना है। इस बार दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 सीट पर कांग्रेस ने कैंडिडेट उतारे हैं। हालांकि गठबंधन के विरोध में ही अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दिया है। लवली के इस्तीफे के बाद आगे दिल्ली की राजनीति क्या मोड़ लेती है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस समस्या का समाधान किस तरह से करती हैं, ये समय बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जानने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे हमारे नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ।